The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is a tubal ligation surgery? Females ki nas bandi, humne males ki nas bandi ke bare mein baat ki. Females ki, aurton mein nas bandi kafi zyada common hai. उसमें ट्यूब होती है आपके गर्भाशय यूट्रस से निकलने वाली दो ट्यूब होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स. इन फेलोपियन ट्यूब्स को टाई कर दिया जाता है यानी उसमें गांठ मार दी जाती है जिसे कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन. इस ये क्या करती हैं, ये आपके गर्भाशय को आपकी ओवरी से कनेक्ट करती हैं. ओवरी से जो अंडा निकलता है महीने में एक अंडा वो मैच्योर होके वो इसी रास्ते से फेलोपियन ट्यूब से आपके गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में इम्प्लांट होता है और वहाँ से ग्रो होके बच्चा बनता है. अगर उसको बीच रास्ते में स्पर्म मिल गया तो, नहीं मिला तो महीना निकल जाता है. तो अगर हम इस चीज़ को, इस ट्यूब को ही लाइगेट कर दें, दोनों साइड ट्यूबल लाइगेशन कर दें यानी उसको बांध दें, लाइगेशन मीन्स टाइंग, तो एक फीमेल स्टराइल हो जाएगी. मतलब वो फीमेल टेक्निकली बिना किसी हेल्प के प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी. बिना किसी हेल्प का मतलब बिकॉज ऑलरेडी उस फीमेल के जो अंडे बन तो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन वो यूट्रस तक पहुँचेंगे नहीं. तो उसको वहाँ से निकाल के फिर पहुँचाना पॉसिबल हो सकता है लेकिन खुद नहीं पहुँचेंगे. सो ट्यूबल लाइगेशन भी एक ओपीडी सेटिंग, आउट पेशेंट सेटिंग में कर सकते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो अ माइनर ऑपरेशन बट उसमें आपको जनरल एनेस्थेशिया की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आपको स्पाइनल एनेस्थेशिया या लोकल एनेस्थेशिया में भी किया जा सकता है जिससे आपको थोड़ा सा सिडेट किया जाएगा, थोड़ा सा स्लीपी बेहोश जैसा किया जाएगा. आपके डॉक्टर ऑपरेशन सर्जन आपको एक से दो छोटे इंसीजन देंगे आपकी बेली के नीचे, पेट के नीचे साइड में, अराउंड द बेली और उस बेली बटन यानी यहाँ पर बेली बटन के पास में, और वहाँ पर आपके दो गैस भर के, आप गैस यानी पेट में ना वो लैप्रोटॉमी के टाइम गैस भर दी जाती है तो पेट ऐसे फूल जाता है, कमरा बन जाता है. उस कमरे में वो डालते हैं एक दूरबीन, फिर वो डालते हैं एक दूरबीन दो एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट जिसमें कटर होता है, जिसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग, उससे क्या करते हैं फिर वो ढूंढते हैं कि ये ट्यूब है. उस ट्यूब को दोनों साइड से बांध दिया जाता है, बीच से काट दिया जाता है और उसको कॉटरी कर दिया जाता है. तो बांध दिया हटा दिया, बिल्कुल स्टरलाइज हो गई फीमेल, राइट. ट्यूबल लाइगेशन उसी समय भी किया जा सकता है जब आप बच्चा डिलीवर कर रहे हो, जब बच्चे के डिलीवरी के लिए पेट ऑलरेडी खुला है, सीजीरियन सेक्शन, उसी समय साथ में ट्यूबल लाइगेशन किया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो डन मेनी टाइम्स सी सेक्शन के साथ में. और कई बार कॉइल्स यूज होते हैं. अनदर मैटर इज कॉइल्स दैट आर प्लेस्ड इन द ट्यूब्स एट द पॉइंट वेयर दे कनेक्ट द यूट्रस, वो करा जाता है नीचे से हिस्टरोस्ट्रोपिक, जैसे नीचे से ने, अगर आपको पेट में टांके नहीं चाहिए तो नीचे से ही हिस्टरोस्कोपिकली यानी नीचे से दूरबीन डाल के अंदर ही अंदर से ट्यूब के अंदर कॉइल लगा के ट्यूब ब्लॉक कर दी जाती है कि ट्यूब के आगे कोई आ ना पाए, आर पार जा ना पाए, रास्ता बैरियर बंद. तो ये प्रोसीजर भी सर्विक्स यानी नीचे से होता है, ये सोचिए बेसिकली, बाकी वो है. सो इसमें कोई कट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको स्कार नहीं आएगा और ये बिल्कुल क्लिनिक में हो सकता है बिना किसी जनरल एनेस्थेशिया, बिना किसी बेहोश किए. सो दो तीन इसी तरीके के तरीके हैं ट्यूबल लाइगेशन के. ट्यूबल लाइगेशन उन्हीं को रेकमेंड है जिनको और आगे बच्चे नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, और इससे आपके ओवेरियन कैंसर के भी रिस्क कम होते हैं. माइंड वेल, ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम होता है. जो आपके 40 इयर्स एज में हैं, जिनको हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, वो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि वो अपना पूरा का पूरा ट्यूब ही निकाल लें, क्या कि वो आगे रिस्क उनका डेवलप ही ना हो, दैट इज़ पॉसिबल. और सम वुमेन, कुछ लोगों का ट्यूबल लाइगेशन जो है वो होने के बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं कराना, उनको लगता है कि वापस रिवर्ट करना है, फिर से चाहिए, तो उनके केस के लिए अगेन इज बेसिकली परमानेंट फॉर्म है बर्थ कंट्रोल का. और अगर आप शॉर्ट टर्म में कराना चाहते हैं तो ये नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली अगर इसको वापस रिस्टोर करना हो तो वो मेजर सर्जरी है, सक्सेस होगी नहीं होगी कह नहीं सकते, पर ये पॉसिबल है, अगेन रिवर्सल है. सो ज़्यादातर लोगों को जिनको ट्यूबर लाइगेशन होता है वो रिवर्सल चाहते हैं, या मोर देन हाफ
लोग, तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसके इन्स एंड आउट समझें। और अगर नहीं ट्यूबल आइगेशन रिवर्स करना है तो आप IVF करा सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली पॉसिबल होता है, राइट। और हिस्ट्रोस्कोपिक ट्यूबल ऑक्लूजन रिवर्स नहीं होता, दिस इज दी राइट। अगर आप ये करा चुके हैं तो फिर IVF ही करना होगा। बिल्कुल सेम आपको इसके रिस्क समझने होंगे कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, आपका इनकम्प्लीट क्लोजर हो सकता है कि ट्यूब सही से बंद नहीं हुई, तो 200 में से एक वुमेन फिर भी प्रेग्नेंट हो सकती है ट्यूबल लाइगेशन के बाद में, 200 में से एक, सो ये पॉसिबिलिटी है। और ट्यूबल लाइगेशन के बाद में भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब है ट्यूब के अंदर ही, ट्यूब की जितना हिस्सा है उसी के अंदर ही कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी आ गई, सो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, और वो भी खतरनाक चीज़ होती है। सो अगर आप इस तरह से पूछेंगे तो मेल्स का स्टरलाइजेशन जो वैसेक्टॉमी इज एक्चुअली बेटर ऑप्शन, सेफर ऑप्शन देन ट्यूबल लाइगेशन, बट फिर भी बिकॉज ऑफ अ मेल प्रिडोमिनेंट सोसाइटी फीमेल्स को बार बार फोर्स किया जाता है ट्यूबल लाइगेशन कराने के लिए, अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, राइट। और ट्यूबल लाइगेशन में इवन अंदर जाते हैं तो पेट के अंदर इंजरीज होने के रिस्क होते हैं, बट अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है तो, सर्जन अच्छा है देन देर इज नो प्रॉब्लम, नो नो टेंशन एट ऑल। अगेन प्रोसीजर के बाद आपको टाइम लगेगा आपको हील होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कैसी सर्जरी हुई है, और 2 से 3 हफ्ते, कभी कभी 1 आध महीना लग सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल आप बंद नहीं करेंगे जब तक आपका टेस्ट हिस्ट्रोसाल्पिंग जो ग्राम ना किया जाए, जो कि आपके 3 महीने के बाद किया जाता है ऑपरेशन के, जिससे प्रूफ होता है कि आपके ट्यूब्स बंद हैं, तब आप जाके बर्थ कंट्रोल पिल्स बंद कर सकते हैं। इस केस में हिस्ट्रोसाल्पिंग जो ग्राम ये आपका होता है इस चीज़ में, राइट। और इसके अलावा आपको समझना है कि इसमें कोई जान का खतरा नहीं होता नॉर्मली, और प्रोसीजर को बहुत आसानी से किया जा सकता है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरे मेथड भी है, फीमेल्स के पास IUDs, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको स्पेसिंग में फ़ायदा देंगे, आपको मेडिकेशन नहीं खानी पड़ेगी, आप बच्चों में स्पेस कर सकते हैं, राइट। और वो निकालने के बाद आप फिर वापस प्रेग्नेंट हो सकते हैं, दैट्स अ बेटर ऑप्शन अगर आप सिर्फ गैप चाहते हैं। रिमेंबर ट्यूबल लाइगेशन से ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम होता है, दैट इज वन गुड थिंग, बट इट इज अ मेजर, इट्स अ लिटिल बिगर ऑपरेशन देन वैसेक्टॉमी, सो एक मेल अगर चाहे तो वैसेक्टॉमी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबल लाइगेशन, और आपके कोई भी सवाल हैं एज ऑलवेज जरूर नीचे लिखिए सो दैट मैं हम पढ़ सकें और जवाब दें, और कोई भी डाउट वी आर ऑलवेज हेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।